चलिए शुक्रिया दोस्तों, पहली हुडी आ गई हमारे पास में। ब्रांड का नाम है भाई गैप, यानी हाँ का। ऑलराइट, गैप के यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई 2799। एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कितना पे करना है कितना नहीं। एक बहुत खूबसूरत कैमो हुडी है। ऑब्वियसली इसमें आपको कैमो के कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप बिरूल के थ्रू देख सकते हो। नीचे आपको कफ्स मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट क्वालिटी है। फ्रंट में आपको कैंगरू पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर में आप फर फील कर सकते हो। और फ्रंट चेस्ट पे आपको गैप की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि ब्लैक पैच से की गई है। बड़ा सा हुड देखने को मिल जाएगा, ड्रॉ स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाएगा, और हुड के अंदर में आपको एक्सपोज्ड फर देखने को मिलता है। लेकिन इस फर की जो क्वालिटी है ना, बहुत ज्यादा पतली है, यानी बिल्कुल ही लाइट वेटेड हुडी है ये। फुल स्लीव के एंड में भी आपको कफ्स देखने को मिल जाएंगे, बैक में आपको कोई प्रिंटिंग नहीं मिलती। एंड अगर इसके फैब्रिक के कंपोजिशन की बात करें, यहां पर आपको मिलता है 58% कॉटन एंड 42% पॉलिएस्टर, यानी एकदम बैलेंस ना कॉटन एंड पॉलिएस्टर का ब्लेंड है। ये हुडी भाई कंबोडिया में बना हुआ है। एंड ओवरऑल एक लुक की बात करें ना, बहुत ज्यादा मैट सटल जैसा इसका ओवरऑल लुक आता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। लाइट वेटेड लाइट विंटर के लिए हुडी खोज रहे हो, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। एंड मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। एंड इस वीडियो में हम ऐसे ही प्रीमियम प्रीमियम ब्रांड के बहुत सारी हुडी देखने वाले हैं। हमने 500 के अंदर में 10 हुडी आपको दिखा दी, बहुत सारे आपको 1000 में भी हुडी दिखा दी। ये थोड़ा सा और प्रीमियम है। नेक्स्ट प्रीमियम ब्रांड आ गया हमारे पास में, और इसके लिए आपको कोई प्रीमियम प्राइस नहीं पे करनी है। न्यू बैलेंस की हुडी, न्यू बैलेंस का आपको टैग मिल जाएगा। प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है 4999, जो की बहुत कॉमन बात है भाई, न्यू बैलेंस की हुडी है। लेकिन एग्जैक्ट प्राइस सुन के जाना, ये एक नेवी ब्लू कलर की हुडी है। नीचे वाले इलास्टिक की साइजिंग देखो भाई, कितनी ज्यादा चौड़ी है। साथ ही एक चीज में और क्या अच्छा है ना, कि अदर हुडीज में क्या होता है, नीचे जाकर ना ऐसा पतला सिकड़ू जैसा हो जाता है, ये प्रॉपर स्ट्रेट है और ऐसा लगता है भाई अच्छे हाथों से बनाया गया है। कैंगरू पॉकेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट चेस्ट पे आपको न्यू बैलेंस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि व्हाइट एंड मस्टर्ड येलो कलर से की गई है। प्रिंट की क्वालिटी भाई बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या ही मैं बोल रहा हूँ। फुल स्लीव आपको देखने को मिल जाएगा, और इस पे भी भाई कफ्स की साइज बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी है। ओवरऑल आप लुक तो जरूर देखना एंड में। सिंपल से आपको हुड देखने को मिलेगा, ड्रॉ स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हुड के अंदर में प्रॉपर आपको लाइनिंग मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बैक में आपको और कोई भी एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं मिलता। देखो, एक ऐसी हुडी है ना, जिसे आप जिम में भी पहनोगे या अपनी एक्टिविटीज के समय पहनोगे, बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही अगर आप इसे कैजुअली भी पहनोगे ना, आप पे जबरदस्त लगने वाला है। अंदर की अगर इसके ताकी झाकी की बात करें, तो अंदर में आपको कोई फर नहीं मिलता, बहुत ज्यादा हैवी वेटेड इसमें फैब्रिक यूज किया गया है। कुछ लोगों को फर से इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, वैसे लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी हुडी है। साथ ही ये एक ऐसी हुडी है जिसके लिए आपको विंटर वेट करने की जरूरत नहीं, अभी से आप पहन सकते हो। इसकी प्राइसिंग अराउंड 2000 रुपए के आसपास है। ऑलराइट, नेक्स्ट हुडी हम देख रहे हैं, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज ब्रांड से। ये ब्रांड भाई हमने कभी टेस्ट नहीं किया, कसम से। लो अभी कर लेते हैं, कैसे बोलते हैं भाई इसको, वो गी पता नहीं भाई, जो है एक बहुत खूबसूरत बेज कलर की हुडी है, और इसकी फिटिंग में भाई दम है। यहाँ पर आपको बेज कलर पूरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको कैंगरू पॉकेट देखने को मिलते हैं, नीचे आपको हेम मिल जाएगी, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। बड़ा सा आपको इसमें हुड देखने को मिलता है, अंदर में आपको लाइनिंग मिल जाएगी, ड्रॉ स्ट्रिंग्स आपको मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में इसके मेटल के टिप्स यूज किए गए हैं, जो कि अच्छे लगते हैं। सेंटर चेस्ट पे आपको एक बहुत खूबसूरत से फ्लावर की प्रिंटिंग देखने को मिलेगी, जो कि ऐसा लगता है ना कि स्प्रे पेंट से जैसा डिजाइन किया गया है, खूबसूरत लगता है। स्लीव्स के एंड में भी आपको कफ्स देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल इस हुडी की जो फिटिंग है ना, बिल्कुल ही बॉक्सी ओवरसाइज टाइप की है, बहुत ज्यादा कूल लगती है। अंदर की तरफ इसका फर भी बहुत मिनिमम डाला गया है, आराम से आप लाइट विंटर में इसे पहन सकते हो। अगर हैवी विंटर आ रही है, लेयर कर लो, बेस्ट हो जाएगा। कोई स्लोक का प्रमोशन नहीं है। एंड मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। और एक बात जान लो दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को मेरे ऊपर देखकर जज मत करना, प्रोडक्ट पसंद करना, फोबड़ा कुछ भी हो सकता है, मे भी ऐसा हो कि आप पे ज्यादा अच्छा लगे। ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट खरीदने आए हो। ये हुडी आपको 1500 रुपए के अंदर में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई वांगलर का हुडी, फटाफट से निकाल दो। और आपको बता दूं भाई, अभी बज रहे हैं रात के 3:30 बजे, फुल ऑन भाई। ऑलराइट, वांगलर की हुडी, वांगलर का आपको टैग मिल जाएगा। प्राइसिंग यहां पर है 3699 रुपए। देखो ये सारे बहुत ज्यादा प्रीमियम वेल रेप्यूटेटेड ब्रांड्स हैं। एक बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर की ओवरसाइज्ड हुडी। ऑलराइट, सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। फ्रंट में आपको कैंगरू पॉकेट्स मिल जाएगा, नीचे हेम मिल जाएगा, क्वालिटी अच्छी है। स्लीव्स के एंड में आपको कफ्स मिलते हैं, इसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ओवरऑल ना चारों तरफ आपको काला ही काला देखने को मिलेगा। सेंटर चेस्ट पे आपको एक वुल्फ जैसा डिजाइन देखने को मिलता है, जहां पर लिखा हुआ है भाई 75 ईयर्स। बैंगलर की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको लेफ्ट चेस्ट के पास में। ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ ही आपके लेफ्ट स्लीव के एंड में बैंगलर की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि इसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही है। बैक में आपको कोई प्रिंट नहीं मिलता, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा तगड़ी है। अंदर का अगर ताका झाकी कर ले, तो अंदर में इसमें भी आपको कोई फर नहीं मिलता। और ऐसे बिना फर वाले हुडीज ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इतना भी बचा लो भाई, फर कहीं यहाँ फंसेगा, कहीं सर में फंसेगा, कभी दाढ़ी में फंसेगा। कॉम्पोजिशन है भाई 100% कॉटन, और ये अपने इंडिया में बना हुआ हुडी है।
मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। एंड मोस्टली जितने भी हुडीज आप देख भी रहे हो वो सारे ऐसे हुडीज हैं जिसके लिए आपको प्रॉपर विंटर का वेट करने की जरूरत नहीं, अभी से स्टाइल कर सकते हो, बिल्कुल ही लाइट वेटेड है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। हम देख रहे हैं भाई उमा की हुडी, बड़ा बड़ी से निकालते हैं। और ये है मेरी उमा, उमा का आपको टैग मिल जाएगा, प्राइस यहाँ पे लिख दी है 4999। इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी। ये भी एक बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर की हुडी है। अब आप बोलोगे भाई बैक टू बैक क्यों हो रहा है ब्लैक। हुडी को पकड़ती पहली चीज आप नोटिस करोगे वो करोगे इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पर यूज हुआ भाई 82% कॉटन एंड 18% पॉलिएस्टर। लेकिन ओवरऑल टच एंड फील की बात करें ना, थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाली हुडी कैसी होती है वैसी इसमें फीलिंग आती है। साइड साइड में आपको कट पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, नीचे में आपको कफ्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। स्लीव के एंड में भी आपको कफ्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वो लास्टिक जैसे कफ्स नहीं है, क्या है वो आप बीरोल के थ्रू देख लो। लेफ्ट चेस्ट पे आपको बहुत खूबसूरत आइकॉनिक सा उछलता हुआ उइमा देखने को मिल जाएगा। हुडी की बात करें इसे भी बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया है, आपके फेस को आपके नेक को अच्छे से कवर करने के लिए से बनाया गया है। ड्रॉ स्ट्रिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अंदर की तरफ आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। विंटर में हम हजार चीजें आपको दिखाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपके पास उड़ाने के लिए धन दौलत बहुत ज्यादा नहीं है, हमेशा बेसिक्स खरीदो, बेसिक हुडी खरीदो, बेसिक स्वेटशर्ट खरीदो। बेसिक खरीदोगे बहुत अच्छे से पहन पाओगे, हल्की फुल्की प्रिंटिंग चलती है, लेकिन ऐसा भर भर के चीकी वीकी काला चीकी मत कर देना वरना पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ऑलराइट नेक्स्ट इज द लास्ट हुडी आ गई हमारे पास में, गैप से स्टार्ट किया था, गैप पे खत्म करेगा यानी आका। गैप आपको टैग में जाएगा, प्राइस यहां पे लिख भी 2799 ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कितना पे करना है। ग्रे कलर की हुडी भाई, ग्रे कलर बहुत ज्यादा कोजी कलर लगता है, बार बार बोलता हूँ आपको। ये एक जिप वाली हुडी है, तो जिप में ही जम करते हैं। जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, पूरा मेटल का जिप आपको देखने को मिलेगा। ग्रिप पे आपको गैप की ब्रांडिंग मिल जाएगी, सेंटर चेस्ट पे आपको गैप की ब्रांडिंग मिलती है, एग्जैक्टली वैसी ब्रांडिंग की गई है जैसे पहले वाली हुडी में थी। और पता नहीं गैप का ऐसा क्या इंप्रेशन है ना भाई लोगों का, सिंपल सी हुडी होती है लेकिन गैप लिखा रहता है, एकदम इंसान को देख के लगता है ना पक्का कार से उतरा होगा, चमक के थोड़ा दूर गया होगा और ऐसे करके बंद किया होगा, तो वो फीलिंग देता है इसमें। नीचे में आपको बहुत सॉफ्ट हैंड देखने को मिल जाएंगे, कंगारू पॉकेट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो कि बीच में पैसे की दीवार है ना, गरीब अमीर को छुपा रहा है ना अमीर गरीब को छुपा रहा है, इसमें भी आपको बहुत चौड़े चौड़े कफ्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। देखो चौड़े कफ्स होना और एकदम टाइट होना उस पे फिर ना वो काम खराब हो जाता है, लेकिन अगर सॉफ्ट होगा ना बहुत अच्छे से आपके हाथों का हग करता है और मस्त लगता है भाई। थोड़ा सा हुड आपको देखने को मिल जाएगा, ड्रॉ स्ट्रिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, व्हाइट कलर के अंदर में आपको फर मिलते हैं और पूरा हुड में एक्सपोज फर है। गैप जैसा ब्रांड लगा ना, बुद्धि में भी गैप आ गया है, एक कपड़े का लेयर भाई लोगों को खुश कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, बैक की तरफ आपको कोई प्रिंट नहीं मिलता, ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। एंड अगेन अगर आपको एक ऐसी हुडी चाहिए जिसे आप डेली वेयर कर पाओ, इस वीडियो के सारे हुडीज आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि सारे सॉलिड्स हैं, सारे बेसिक कलर्स के साथ आते हैं जिसमें बेसिक डिजाइनिंग है, अच्छे ब्रांड है, क्वालिटी अच्छी है। और ये वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सेल्स आ रहे हैं हमें टेलीग्राम में फॉलो कर लो, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, बवाल मचने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।